हेलो हाय एंड वेलकम, मैं हूं नेहा परिहार और आप देख रहे हैं वायरल इंडिया। हमारे इस प्रोग्राम में हम आपको रूबरू कराते हैं कुछ अनोखे वीडियोस से जो आपका एंटरटेनमेंट करने के साथ आपको हैरानी में भी डाल देते हैं। अपने इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे सबसे पहले जिराफ की। जिराफ तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन क्या कभी उनके बच्चों को देखा है? नहीं देखा तो आप देख लीजिए, एक नहीं बल्कि जिराफ के बच्चों का पूरा एक कुनबा है जो किसी जू में नहीं बल्कि खुले मैदान में मस्ती करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को देखकर आप भी हैरानी में पड़ जाएंगे। केवल इंसानों को ही नहीं बर्फ का शौक होता है। हम अपने इस वीडियो में आपको एक ऐसे डॉगी से मिलवाएंगे जिसे बर्फ में मस्ती करना बेहद पसंद है। वीडियो देखकर आप भी इस छोटे मस्ती खोर डॉगी के दीवाने हो जाएंगे। तो देखिए इस वीडियो को और मजे लीजिए। कोरोना महामारी के बीच कई दिल दहला देने वाली कहानियां हमारे दिलों को पिघलाने में कामयाब रही हैं, और ऐसी कहानियों ने हमें दुनिया भर में होने वाली हर चीज़ों से निपटने की उम्मीद भी दी है। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक कोविड-19 का पेशेंट वॉलिन बजाते हुए नजर आ रहा है। इस वीडियो में पेशेंट वॉलिन के जरिए अस्पताल के कर्मचारी को उनकी देखभाल करने के लिए धन्यवाद दे रहा है। और अब आगे बढ़ेंगे, आपको ऐसी वीडियो दिखाएंगे जिसे देखकर आप भी हैरानी में पड़ जाएंगे। यूं तो आपने बच्चों को खिलौनों से खेलते देखा होगा, क्यों सही कहा ना मैंने, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सोचा था कि एक छोटी सी खिलौने की कार एक बड़े से जीप को खींच सकती है? नहीं ना, मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा तो देखिए इस वीडियो को। हाथियों का झुंड तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन क्या आपने हाथियों को कभी खेलते देखा है? नहीं देखा तो आप देख लीजिए कि किस तरह हाथियों का एक झुंड एक छोटे से हाथी के बच्चे के साथ खेलता हुआ नजर आ रहा है। और ये वीडियो वन विभाग के अधिकारी सुशांत नंदा ने सोशल मीडिया पे शेयर किया, तो इसके बाद वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वायरल इंडिया में आज बस इतना ही। नमस्कार।